आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि में पान के पत्ते के 10 उपाय के बारे में, जो कि कई समस्याओं को जड़ से कर देंगे खत्म। तो चलिए बात करते हैं नवरात्रि में पान के पत्ते के 10 उपाय। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में पान के पत्ते का बहुत खास महत्व होता है। पान के पत्ते से जुड़े कुछ उपाय आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को खत्म करने का दम देता है। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन आप पान के पत्ते का उपाय करके केवल अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, बल्कि आप कई समस्याओं से मुक्ति भी पा सकते हैं। बस इतना याद रखना होगा कि पान के पत्ते के जो उपाय किए जाएं, वह एक दिन में एक बार ही करें, यानी नवरात्रि में अलग अलग दिन अलग अलग उपाय करें। धन संकट हो या वैवाहिक जीवन की समस्याएं हो, अथवा दुश्मनों का प्रभाव, आपका महत्व कम होना या मान सम्मान में कमी आदि से जुड़ी कैसी भी समस्या हो, दूर की जा सकती है। एक बात यहाँ ध्यान देने की, वो यह कि सामान्य रूप से आप नवरात्रि की पूजा करते हैं वह करें, पान के पत्ते के उपाय अलग समय में करें। इसके लिए शाम का समय आप चुन सकते हैं। ये उपाय आप रामनवमी के दिन भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं पान के पत्ते के 10 सटीक और सरल उपाय। देवी माँ की पूजा सुबह विधिवत करें। शाम को दीप जलाने के बाद पान के पत्ते का उपाय करें। देवी माँ को पान के पत्ते पर गुलाब की 11 पंखुड़ियाँ रखकर उनके चरणों में अर्पित करें। पान के पत्ते को पहले देवी माँ के चरणों पर रखें और एक एक कर गुलाब की पंखुड़ियाँ रखते जाएं और अपनी समस्या या को मनोकामना जो भी है वो आप देवी माँ को कहते जाएं। यह उपाय आर्थिक संकट से बचाने में बहुत कारगर है। नवरात्रि में पड़ने वाले मंगलवार के दिन पान का पत्ता लें, उसमें 11 लौंग और 11 इलायची रखकर उसका बीड़ा बना लें। अब इसे शाम के समय हनुमान मंदिर में बजरंग बली के हाथ में चढ़ा दें। ये काम आपको धन से जुड़े हर संकट से दूर कर देगा। यदि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप एक पान का पत्ता लें, उस पर 2 लौंग रखें और अपने दोनों हाथों से बहते जल में प्रवाहित कर दें। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार में से किसी भी एक दिन आप अपने घर के क्लेश या वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर करने के लिए पान के पत्ते की चिकनी तरफ सिंदूर से जय श्री राम लिखें और इसे हनुमान जी के मंदिर में जाकर बजरंग बली के हाथ में रख दें। ये पान के पत्ते हनुमान जी के चरण में भूल कर भी मत रखिएगा। जीवन में तरक्की चाहिए या काम की बरकत चाहिए, तो आप एक पान का पत्ता लें, उसके दोनों तरफ सरसों का तेल लगा दें। अब इसे नवरात्रि में किसी भी दिन शाम को देवी माँ की पूजा में अर्पित करें और जब सोने जाएं तो इस पान के पत्ते को अपने पास रखें। सुबह उठकर इस पान को आप देवी माँ के मंदिर के पीछे रख दें। यदि आपको आपके व्यापार में घाटा हो रहा है या नौकरी पर संकट है, तो आप नवरात्रि में जितने दिन संभव हो एक पान का बीड़ा माँ दुर्गा के मंदिर में चढ़ा दें। कोशिश करें कि शाम के समय ही ऐसा करें। यदि आपके दुश्मन बढ़ रहे हैं और आपका मान सम्मान कम हो रहा है या आपका महत्व कोई नहीं देता है, तो आप नवरात्रि में सुबह 4 से 6 के बीच माँ भुवनेश्वरी और सौभाग्य सुंदरी का ध्यान कर पान के पत्ते की जड़ को घिसकर उसका तिलक अपने माथे पर लगा लें। यदि आपके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो आप नवरात्रि में जितने दिन हो सके एक पान के पत्ते पर नीम लिखकर माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। साथ ही नवमी के दिन आप उन पान के पत्तों को अपने पैसे वाली जगह पर रख दें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मकता का असर बढ़ता जा रहा है, तो आप पान के पत्ते पर केसर या हल्दी रखकर दुर्गा स्त्रोत और दुर्गा जी की नामावली का पाठ करें। जिन दंपत्ति को संतान नहीं है, वह नवरात्रि में स्कंद माता को 9 पान के पत्ते अर्पित करें और 9 सुहागिनों को जिनकी संतान हो उन्हें सुहाग की सामग्री भेंट करें। अब इन 10 उपायों को आप एक दिन में एक बार ही करें। अलग अलग उपाय के लिए अलग अलग दिन का उपयोग करें। तो ये थी आज तक की जानकारी। उम्मीद है आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्णा।